हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में एक ऐसा प्रोग्राम हम देखने जा रहे हैं जिसमें हम पहले इंक्रीमेंट करवाएंगे, फिर हम डिक्रीमेंट करवाएंगे। एक ही प्रोग्राम में दोनों काम हम करके देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके साथ साथ आपको \t\n भी देखने को इसमें मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एम्प्टी फाइल ले लेते हैं और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कोडिंग। यहाँ पर हेडर फाइल बनानी होती है तो #include stdio.h ये हेडर फाइल मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और हेडर फाइल को लिखने के बाद यहां पर बनाएंगे मेन फंक्शन। तो ये मेन फंक्शन हमने बनाया। जैसे ही मेन फंक्शन बनाते हैं तो यहां पर ब्रैकेट को करना है ओपन। जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अब यहां पर हमें डिक्लेयर करना है डेटा टाइप। तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होगा। दो वेरिएबल ए और बी हमने ले लिया है और यहां पर करेंगे इसको टर्मिनेट, क्योंकि ये लाइन हो गई खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लगा लेते हैं फॉर लूप। तो यहां पर फॉर लूप का यूज कर रहा हूं और यहां पर लिखेंगे a इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, फॉर लूप लगाया और यहां लिखा a इज इक्वल टू 1। a में इनिशियलाइज कर दिया 1। अब यहां लिखता हूं b इज इक्वल टू, b में इनिशियलाइज कर दिया 10। यानी a और b का इनिशियलाइजेशन तो हो चुका, यहां पर कर दिया हमने टर्मिनेट। जैसे ही टर्मिनेट किया तो यहां पर अब कहेंगे a इज लेस देन इक्वल टू। अब यहां पर मैंने देखिएगा लिखा है a इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। जैसे ये लिखा तो फिर यहां पर देंगे एक बार कॉमा, देते हैं b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहां पर देख सकते हैं अलग अलग कंडीशंस दे रहा हूं मैं। अब बारी है इंक्रीमेंट की। तो यहां कर दिया a प्लस प्लस, ध्यान दीजिएगा ये हो गया इंक्रीमेंट, कॉमा दिया b माइनस माइनस, तो ये कर दिया b माइनस माइनस। अब ये हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। चलिए अब बात करते हैं \t\n और \n की। लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना ली है मैंने। लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ प्रिंट करवाना है। तो लिखेंगे printf, क्योंकि ये सी लैंग्वेज है, अगर पाइथन होता तो प्रिंट केवल लिखते और अगर जावा होता तो system.out.println लिखते या इस तरह की चीजें करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर printf लिखने के बाद यहां पर दे देंगे डबल कोट्स में a इज इक्वल टू %d। %d क्यों, क्योंकि हमने लिया है इंटीजर, दैट्स वाई। अब यहां पर लगाता हूं \t\n। \t\n लगाने से क्या होगा, ये टैब लाइक स्पेस देगा। \t\n लगाने के बाद यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि हमने वेरिएबल बनाया b के नाम से, तो यहाँ b लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ दिया मैंने a, b, ध्यान से देख सकते हैं इसको, ये देख लीजिए। और फिर यहाँ से अब हम कंपाइल कर, वैसे तो मैंने इसको सेव कर लिया है ii.c के नाम से, एक बार फिर से कंपाइल करवाते वक्त भी सेव करेंगे तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब जब इसको रन करवाएंगे तो दोनों ही चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, पहला तो इंक्रीमेंट भी आपको दिखाई पड़ेगा, दूसरा डिक्रीमेंट भी दिखाई पड़ेगा। तो यहां से चलते हैं, इसको एक बार रन करवाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहां पर पहले ए में 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ और फिर 5 हुआ, यानी इंक्रीमेंट एक एक होता चला जा रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। और अगर डिक्रीमेंट करवा रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं एक एक डिक्रीमेंट भी होता चला जा रहा है। तो ये है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। \t\n और \n, \n लगाने से लाइन चेंज होती है, \t\n लगाने से टैब लाइक स्पेस देता है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आती रहेंगी। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।